हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रिस ले रही हूँ, शुरू करना फिर से। ये एक्सरसाइज करने बैठे और ये क्या है, अनुलोम विलोम करना देख लेंगे। एक्सरसाइज कर, भूत सवार हुआ इनके ऊपर जो किनको करने नहीं आते। अनुलोम विलोम नहीं आता आपको, करना करना फिर से। ये वाला नहीं, नोज वाला। हाँ देख रहा, उससे लिया। क्या सब भाई? देखो ऐसे होता, देखो। अच्छा, मैं हिंदू बस। बस लैपटॉप छूटता तो फोन नहीं छूटता, फोन छूट जाता है तो लैपटॉप छूटता, तो परेशान कर लिया। अनुलोम विलोम देख लो, दो बार ऐसे ऐसे कर लिया होगी एक्सरसाइज। नीचे जिम है वो रोज ही कहता मैं जिम, आज तक वो मंडे नहीं आया जिम जाने वाला है ना। इधर क्या दुख रहा है देख लो, ये एक्टिंग शुरू हो जाती है, बच्चों वाली एक्सरसाइज का नाम लेती। मेरा फायदा थोड़ी ना है इसमें, आपका फायदा, पेट देखो अपना, मेरे बराबर हो रहा है। मेरे को तो आठवां लगा भी नहीं अभी, और आपका नौवे जैसा पेट है। ये कौन से देख, बस ज्यादा ना सो, लोग सोते हैं आपको टिड्डी की बीमारी खास से भी देखो सच में लग जाएगा सबको कि कुछ तो बीमारी हो रखी है संदीप को। देख ऐसे पेट हो जाएगा अंदर। अरे मैं बोलती वो एक्सरसाइज देख देख कितने माने ये दुख कह रहे हैं। हाँ हो गया आज के, ये फोन है ना मैं उसमें फेंकाऊंगी टॉयलेट में, बहुत हो गया। चीकू की तरह कर लो, ये एक्सरसाइज नहीं होती, पेट वाली लेट के होती है, नींद आने लग जाती है बस। अरे ओ, और फिर कहेंगे निशा ये करवाती है, निशा वो करवाती है, फिर सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, बोले हम वीडियो में देखते हैं निशा संदीप के पीछे पड़ी रहती, अच्छे के लिए पड़ी रहती, वो कोई नहीं कहता है ना, मेरे को बदनाम कर रखा। ये एक्सरसाइज है संदीप की, संदीप मेरे कहने से जरूर कर लिया। ओह क्यों मांच रहे हो? हाँ दुख रहा है, वो वाली कर लो। एक तो वो नहीं करें, लड़कों वाली कौन सी होती है, पुशअप्स तो भूल जाओ, 10 पुशअप नहीं निकाले। चीकू होता अब तक सारी करवा देता था मार मार के। बस इस नाक से क्या निकाल के छोड़ोगे? चलो ऑफिस जाने का समय हो गया। ओहो ऑफिस जाने का समय, साढ़े वो हो गए अभी, 9:30 हुए। बनाऊंगी वो आ रही है हमारी मेड, खाना बना रही है, सब्जियां बना दी, आटा लगा रही है, और क्या बोलते हैं, मैंने चाय पी ली, नारियल खा लिया, और घूमी नहीं हूँ, वॉक नहीं हुई क्योंकि इतनी तेज धूप है बाहर, बहुत तेज। अभी हम चीकू की वीडियो देखते थे स्कूल से ना, रोज इसकी वीडियो आती है ग्रुप में, अभी मॉर्निंग की क्या प्रे की थी ना, है ना, सबसे आगे खड़ा है स्कूल में, सुबह रोज पै पै करके जाना होता है। पता है कल भी क्या बोलता है, सुन क्या वाला कि मम्मा एक दिन की छुट्टी करा दो, दो दिन की छुट्टी करा दो फिर चला जाऊंगा स्कूल में, दो दिन के बाद चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटा कल कल जाना है, शनिवार की एतवार की फिर से छुट्टी है। बोलो अच्छा, मैंने कहा हाँ, और मैंने कहा फिर एक, बोला फिर कितने दिन जाना है, मैंने कहा फिर एक हफ्ते और जाना है, फिर एक महीने की छुट्टी है समर वेकेशन। इतना खुश हो जाए छुट्टी के नाम पे तो। ये खड़ा तीन लड़कियों के आगे खड़ा है कन्हैया, अभी तक सारे लाइन में है, सब सही कर रहे हैं। वो कर रहा और ये वाली ये देखो एक्शन के साथ इसकी ड्राइंग सिखा रहे स्कूल। हाँ करो, मैं तो अपने पौधों में पानी डाल के आऊँ, पौधों में डाल दूंगा तो चीकू बना, क्या बना दू, बना दे रे चीकू का, तभी तो बनाऊंगी इतनी गर्मी में। वो ले जाया करो, स्टोर ले जाया करो, मेरा सुन रहे हो, स्टोर ले जाया करो, हूँ क्या दुनिया। वो व्हाइट वाला परना भी तो यूज करती है हरियाणा में, लोग परने उड़ उड़ के जाते हैं बाइक पे। आई बात समझ, धूप देखो यार, कोई कह देगा 9 बज रहे हैं, शिट धूप देखो कितनी चिलचिलाती धूप है।
बेचारे मेरे पौधे। और ये तो ना अभी चली जाएगी, मतलब अपनी इधर की धूप सुबह की रहती है 10-11 बजे तक पूरी हट जाएगी, फिर सामने वाली बिल्डिंग पे पूरा दिन धूप रहेगी। अभी यहाँ पे छाव है, पूरा दिन यहाँ धूप रहेगी, अपने इधर कम हो जाएगी। और ये पता नहीं कुछ फूल वूल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, लगाए तो फूल के तो लग गए, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये पपीते का है, और ये पता नहीं क्या पालक के जैसा लग रहा है। पता नहीं, लगाया तो था, सारे फूलों के पौधे लगाए थे, अब ये लग किसी और चीज के रहे हैं। मेरे को इतनी थोड़ी खट्टी है, गुच्छे का गुच्छा मिल रहा था, गुच्छे कुछ नहीं मिला, लेकिन गुच्छे भी तो छाट नहीं होते कि लाल वाला है कि हरा वाला है, सब तो लाल वाला लेके आया इस टाइम पे भी नहीं, आप भी तो आई है पहली बार। इस गर्भवती महिला को लिच्ची खाने का मन हो रहा है, तो हे देवी ये लीजिए। मैंने कहा ना याद आ गई, पहले खा के देख, ये सीजन है ना वैसे लिच्ची का स्टार्ट हो गया अभी। यहाँ तो 200 रुपए किलो है, 400। मैं भी पूछने वाली थी, मैंने कहा ये और ये तो और भी सस्ते हो गए, तो हो जाएंगी आगे आगे। तो मेरी काम वाली चली गई, अभी मैं चीकू का टिफिन बना रही हूँ और लंच बॉक्स, और एक बारी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि काम वाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कई बार तो मैं सोचती जानबूझ के करती हैं, कई बार सोचती हूँ कि इनमें अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, कह कह के थक चुके हूँ मैं, लेकिन फिर वही सोचती हूँ कि चलो इतना करते हैं वही बहुत है, थोड़ा बहुत तो हमें करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कह के अभी आज तो मैं खड़ी थी ना, उठी हुई थी, तो कह कह के सारा मैंने आज करवाया, फिर भी अभी थोड़ी देर के लिए अंदर जाके बैठती थी, इतनी देर में मैं जा रही भैया, देखा तो आके ना बर्तन निकाल के गई है ना और जो भी, आगे आगे कपड़ा मार के गई, दिखाती हूँ। तो आज तो ये इतना भी मिक्सी के ऊपर मैंने बोला, पूरा मिक्सी गंदी हुई पड़ी थी, अभी भी देखो गंदी है, क्योंकि अभी तो ये सारे नई तो है ये सारी चीज़ें यहाँ के। देखो उसका कपड़ा मारना, कपड़ा सारा बोला है मैंने हटा हटा के मार के जाना है सारी चीज़ों पर। ये देखो पूरा इधर, ये सारी टाइलें भी साफ करवाई थी मैंने, फिर वैसी हो जाएंगी है। और ये देखो उसका कपड़ा मारना, देखो एक्टिंग कर रहे हैं इसके पापा। ये दो सब्जी बना के गई, एक अभी के लिए आलू और बीन्स की, और एक दोपहर के लिए। देखो मैंने बोला था उसको कि धनिया है ना यहाँ पे फ्री में मिलता है, सब्जी में काट लिया कर, वेस्ट जाता खराब हो जाता, काट के नहीं गई, अभी बोला था कि काट लेना। दूसरी मीनू है सोनू है, मैंने बोला छोले की सब्जी है तरी की, मैंने कहा सब्जी में वो काट लिया कर, धनिया क्या काम आएगा है, अभी बोला था काट लेना, नहीं काट के गई, भूल गई, हर बात पे बोलेगी हाँ भाभी कर लूँगी। और ये भी हटा के मैंने कहा इसके पीछे से मार लिया कर, ऐसे ना आगे आगे मार जाएगी ऐसे ऐसे कपड़ा, जैसे हाथ दुख रहे उसके। आज देख लो आज सारे बर्तन भरे, नहीं तो टोकरी खाली करके जाती है, अभी इस पर सारे बर्तन में ही जचाऊंगी झुक झुक के, कितनी बार उसको बोल लिया मैंने। चलो कोई नहीं, चीकू के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ मैं सूजी का, कई लोग बोलते शायद अपम भी बोल देते हैं, सेट डोसा भी, जैसे अपना चावल वाला डोसा होता है ना, इससे डोसा भी बना सकते हैं हेल्दी। और फर्मेंट जो वो तो ओवरनाइट रखना पड़ता है डोसे का बैटर को, घर पे बनाओ तो, नहीं तो वो बिल्कुल खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है, ये बिल्कुल फ्रेश बनता है और हेल्दी भी है, सूजी का वो भी हेल्दी है, लेकिन ये उससे ज़्यादा हेल्दी है, फ्रेश भी है बच्चों के लिए और सूजी भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है बेस्ट। तो मैं उसके लिए, उसको सेट डोसा बहुत पसंद है चीकू को, तो कई जगह उत्पम या शायद अपम क्या बोलते हैं, उत्पम ही बोलते हैं मेरे ख्याल में, तो इससे क्रिस्पी वाला डोसा भी बन सकता है। उत्पम 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 उत्पम, तो इसमें दही सूजी और थोड़ा सा पानी ये डाल के सिर्फ इसको घुमाना है। और देखो मेरे काम वाले ने क्या क्या नुकसान करती है, कांच का गिलास तोड़ दिया, 6 का सेट था वो तोड़ दिया, फिर ये जला दिया ये मिक्सी का ढक्कन, और एक दिन और उसने क्या किया था पता नहीं, सब्जी पूरी जला दी, पूरी वेस्ट गई वो सब्जी, अगले दिन मैं बोलती मैं ले जाऊंगी वो सब्जी, इतने नुकसान करती है।
उस पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी ना, तब तो कुछ नहीं बोलेगी। और जब किसी काम को लेके बोलते ना यहाँ साफ सफाई नहीं की, उस पे बहस शुरू हो जाती है, लोग कुछ नहीं कर सकते इनका। एनीवे छोड़ो, तो भी मैं एक बार पीस लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, और इसको भी थोड़ी मतलब 2 मिनट के लिए इसको वो रखना है, रख भी सकते तो अच्छे से सेट भी हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, मतलब सूजी है ना सूजी। तो अभी इसमें नमक और ये जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा ये फर्मेंट करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे से ऐसे मिक्स करके, मतलब देखो ये बुलबुले बनने शुरू हो गए ना इसमें, तो ये फर्मेंट हो जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो गए इसको, इधर दिखाओ थोड़ी पास में। तो ये ऐसे ना फिर ऐसे कड़छी भर के डाल देना है, और इसको ऐसे नहीं फैलाना है क्योंकि अपने आप ही फैल जाएगा हीट से। जितना बड़ा करना है उतना बैटर डाल देना है, ऐसे फैल गया, इसको ऐसे नहीं फैलाना है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ना, इसमें बुलबुले ऐसे फूटते जाएंगे। और अगर बड़ों के लिए बनाना है ना यम्मी वाले, तो बच्चों के लिए हो गया, इस पर धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं अगर बच्चे खाते हैं तो। बड़ों के लिए बनाना है ना, तो इसके ऊपर टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, गाजर, हरी मिर्ची, जो भी सारी टॉपिंग्स होती हैं वो डाल के और ऐसे बना सकते हैं, मतलब एक साइड इसको फ्लिप कर जैसे चिल्ला बनाते हैं। तो ये बड़ों के लिए हो गया, और ये छोटे देखे ऐसे बुलबुले फूटेंगे ना, तो ये मतलब बन रहा है, अच्छे से पक रहा है, ठीक है। ये इतना सॉफ्ट और स्पंजी होता है ना सूजी का, बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, चीकू पूरा चट करके आता है सॉस के साथ। तो अब ये पूरे में ऐसे हो जाएगा, और घी लेके थोड़ा घी को मेल्ट कर लेना है, और उसके ऐसे छिट्टे से मारते हैं ना जैसे ऐसे ऐसे, तो इससे पहले जल जाए। मैंने थोड़ा लेट कर दिया ना उठाने में, तो पूरा जल रहा था। तो ये दोनों साइड से भी सेक सकते हैं, नहीं तो एक साइड से ऐसे भी उठा के आप रख सकते हो, कच्चा नहीं होता ये कभी भी ऐसे, बहुत सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा। तो एक बन के रेडी है, और दूसरा भी मैंने डाल दिया, इसमें भी ऐसे ही, मतलब ऐसे ही अगर छेद हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब अच्छे से फर्मेंट हुआ है आपका ये। तो बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की जगह बच्चों के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा वैसा रहता है, हैवी रहता है बच्चों के लिए। तो ये ऐसे मैं ये भी रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ लास्ट। इनके मैंने ऐसे पीसीस कर लिए जैसे लास्ट टाइम करे थे। चीकू को ये बहुत पसंद है, मतलब बच्चों को पिज़्ज़ा की तरह ऐसे स्लाइस करके दो तो अपने आप ऐसे उठा के सॉस के साथ खा लेते हैं। और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, जाएंगे तब लंच स्टार्ट मिलता है उनका, गरम गरम खाएगा, नहीं तो ये बहुत सोगी हो जाएंगे। अगर आप सुबह देते हो ना तो ये बिल्कुल गीले से हो जाएंगे, अभी ये गर्म है जैसे, इसमें पानी छोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर ये रख देती हूँ टिश्यू, और उसके ऊपर ये बादाम, क्योंकि अंदर वो गरम है ना खाना, तो इस वजह से। और चीकू का टिफिन रेडी, चीकू आ गया, चीकू को लेने चलते हैं नीचे, 12:30 हो गए, जाने में टाइम लग जाता है नीचे तक, लिफ्ट 7वें फ्लोर पे रहते हैं हम, लिफ्ट से जाओ फिर नीचे एग्जिट गेट के बाहर बिल्कुल वहाँ पे। इस साइड से एंट्री है और उधर पीछे से एग्जिट है, और गाड़ी अगर जाती है ना तो ऐसे एग्जिट करके पीछे से जाती है। एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है, दिखाती हूँ। ये दो गेट है, इधर वाला एंट्री वाला, उधर वाला एग्जिट वाला है।
पीछे से सोसाइटी से घूम के जाना पड़ता है। वो खड़ी चीकू की वैन बाहर। हेलो, हाय चिका। चल चुन्नी ओढ़ा मम्मा की, चुन्नी ओढ़ा चुन्नी। अच्छे से अच्छे से। नहीं क्या धूप लगेगी बहुत जोर से। बोलो चलो 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 मैं कपड़े चेंज करूंगी। लड्डू देख ले इसके काम ला। और पता क्या कहता, टीचर ने खाना वेस्ट करने को बोला। मैंने कहा खाना खा के आया, तू कहता नहीं टीचर ने खाना वेस्ट करने को बोला। देख ले इसके काम। ओ हेलो सर जी, देख इसके स्टंट। कपड़े चेंज करवा ले, ये खोलो अपने आप से बेल्ट खोलो अपनी। हाँ ये नो, खोल के दिखाओ मुझे। वेरी गुड, अब निकालो इसको। वेरी नाइस, देख लो देख देख ऐसे। सॉक्स निकालो, दोनों खुजली हो रही है पैरों में। देख इसके खोलो, घर के खेल दी। अभी क्या खाएगा बताओ? बनाना खाएगा, चौकस खाएगा, क्या खाएगा? पराठा खा, पराठा खिला दूं? चौकस मिल्क में डाल के चौकस। आई लेट इट गो अगेन, व्हाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माय फिंगर, सो व्हिच फिंगर डिड इट बिट? बाइट द लिटिल वन, ओपन द राइट। वेरी गुड, बस आज ही पड़ेगा क्या सारा? हाँ। पढ़ लिया ना बस, अब सैटरडे संडे छुट्टी है ना। ये देख सैटरडे सैटरडे कर दी रंदी है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे। ये बॉडी के लिए दिया है कि इसको साफ करने के लिए दिया? देखो किश्ती बोट बना ली। We are going to temple and we are going to temple guys, so excited. And I have my new two wheeler vehicle, I mean. Temple jack kya karne wale hain? We should pray. Idhar idhar. Idhar se. Side se. We should pray, do you know? Forward. For the money and for my sister and for our new Ferrari, Lamborghini, new speaker. Okay, आप गॉड से ये सब मांगोगे? Yes. हाथ लगाओ चीकू, हाथ लगाओ बाबा। ओम नमः शिवाय बोलो।
फाइनली हमें मंदिर मिल गया था उसी दिन ही जिस दिन डॉक्टर के इंजेक्शन लगवा के आए थे ना, हम इधर से देख के गए थे शॉर्टकट, उस दिन को इंसिडेंटली शॉर्टकट ले लिया और को इंसिडेंटली मंदिर दिख गया हमारे बिल्कुल पीछे ही है ये मंदिर। और बहुत अच्छा लगा, आरती वगैरह पूजा सब कुछ होती है, प्रसाद मिलता है शाम के समय, प्रसाद चढ़ाने भी आ सकते हैं, पीपल भी है। तो अभी आज मावस है ना, तो सुबह तो पानी दे नहीं पाए थे मतलब पीपल के पेड़ में, तो अभी दिया लगा सकते हैं। हाँ बेटा चलो, दोनों ही लगा दे, मेरे नाम का भी लगा दिया। देखता वो प्लेट खाना पैक कराया है, अभी कोई मिलेगा तो उसको देंगे खाना पितरों के नाम का, क्योंकि सुबह तो हो नहीं पाता है सुबह, तो इस टाइम आए हैं, अगली बार से कोशिश करेंगे सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम, अब तो दोनों टाइम कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अब इतने पास में मंदिर है ना, तो मेरा दिल खुश हो गया, मतलब हैदराबाद में था नहीं ऐसे, इतना अच्छे से नहीं था कि भी आरती सुबह शाम, फिर वहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ा अलग था तो कुछ समझ नहीं आता था किसी को, तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो सुकून सा मिला। और आरती के टाइम पे आए बिल्कुल, आरती हो रही थी। हमने फाइनली कितने किलोमीटर दूर आके सोनू इस बेचारी के गोदी में लटका है छोटा सा, उसको 100 रुपए दे, इतना खुश हो गया वो और उसके घर के लिए खाना होगा, कोई तो खाएगा, किसी के पेट तो जाएगा। चलो हाय, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बहुत देर हो गई बैठे, इतनी दूर आके मंदिर के बाहर तो कोई था ही नहीं, बैठा ही नहीं था, थक गए। चलो कोई तो मिली बेचारी है ना, वो छोटा सा बच्चा देखा 100 रुपया देते, कितनी प्यारी स्माइल करी उसने, देखा आपने है? मैं वीडियो फोन भी मेरे हाथ में था और चला गया है ना चीकू, और छोटा सा बेबी कैसे स्माइल कर रहा था ऐसे थक गई मैं बहुत गंदे तरीके से पीछे, बहुत दूर तो जाना ही जाना, कितने किलोमीटर आ गए हम ढूंढते 7-8 किलोमीटर दूर। अगली बार है ना टाइम से निकल के वो करना है ना चीकू। 9:45 हो गए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ना बोलने की, ना उसको बहुत दर्द हो रहा है एक्टिव होकर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा। चीकू तो सो भी गया था अभी रास्ते में, लेकिन फाइनली उस बच्चे की स्माइल मेरे मुंह मतलब मेरी आंखों के आगे से हट नहीं रही है, जैसे मैंने उसको पैसे दिए इतनी प्यारी स्माइल करी उसने, इतनी प्यारी स्माइल करी, इतने ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते, तो एक खाना खिलाने के लिए इंसान को ढूंढना था, बहुत दूर जाके मुश्किल से वो लेडी मिली हमें, बहुत दूर था, 14 किलोमीटर हो गया साथ आने का, साथ जाने का, अगर 7 किलोमीटर दूर था तो 14 किलोमीटर एक्टिव पे बैठे बैठे। ठीक है भाई, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर। चीकू भी थक गया बेचारा, चलो भाई टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू।